चलो हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब बेटा हम लोग ये कर रहे हैं रिवीजन, ठीक है बच्चों? हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और याद करिए पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो बेटा पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों पर संक्रियाएं सीखी थी और वो संक्रिया थी गुणा। तो गुणा के चार रूल होते हैं, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया भी था। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा। जब प्लस का गुणा प्लस में कराते हैं तो प्लस आता है, याद रखिएगा। और जब माइनस का गुणा माइनस में कराते हैं तब भी प्लस आता है। कहने का मतलब ये है कि सेम साइन होगा ना बच्चों, सेम साइन तो प्लस आएगा, और अगर अलग अलग साइन होगा तो बेटा अलग अलग साइन होने पर माइनस आता है, अलग अलग साइन होने पर माइनस आता है। क्या आप सभी को ये चारों चीजें याद आ रही हैं? यस सर, अच्छा, तो अब इन्हीं पर आधारित सवाल पूछें हम आप सभी से, यस ठीक सर, है? आप सभी बच्चे इसका उत्तर करिएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा बड़ा ही में लिख देता हूँ ताकि सभी बच्चों को आसानी से दिखे, सभी बच्चों को आसानी से दिखे। चलो बच्चों, ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया और बेटा मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, ठीक है? चलो पोल सेक्शन ऑन हो चुका है, ठीक है? पोल सेक्शन ऑन हो चुका है। पिछले क्लास में जिस तरीके से सिखाया गया था इसका सारे बच्चे उत्तर करेंगे, ठीक है? सारे के सारे बच्चे उत्तर करेंगे क्योंकि कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार माइक ऑन करके बताइए, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, यस ठीक है, ठीक सर, ठीक है बेटा। निकिता, कोई परेशानी हो रहा है क्या बेटा क्लास में? निकिता नो सर, आंसर तो देखियो, ठीक है। अच्छा, तो आप क्लास को हमेशा मतलब रीज्वाइन क्यों कर रहे हो? सर बार बार फोन आ रहा था। अच्छा, अभी नहीं आ रहा है ना? नो सर, ठीक है, तो ये दिए गए क्वेश्चन का आंसर बताइए पोल सेक्शन में। कर दिया। ओके बेटा, ठीक है। बेटा आप लोग उत्तर क्यों नहीं कर रहे हैं? उत्तर करिए सारे बच्चे। कौन बोलता ही हो सर, देखियो हमारा। हाँ, अभी मैं सभी लोगों की कॉपी चेक करूंगा, लेकिन आप लोग पहले उत्तर बता दीजिए पोल में, ठीक है? और जो बच्चे स्कोर बोर्ड जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेटा स्कोर बोर्ड उतना अच्छा है नहीं अभी, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना कि दो बच्चों का सही है और बाकी चार बच्चों का गलत है। दो बच्चों का मात्र सही है और चार लोगों का गलत है। अच्छा, ये तीन संख्या हो गई है, ठीक है? तीन बच्चों का सही है, ठीक है बेटा? तीन बच्चों का सही है। सर स्कोरबोर्ड बताना। हाँ बेटा, इस समय ये संख्या पांच लोगों की हो गई, यानी कि पांच बच्चों का सही है लेकिन गलत वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। आई थिंक हाँ, सेवन सेवन बच्चे गलत बता रहे हैं बेटा। ये सही चीज नहीं है, बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। बताओ, सात बच्चों का गलत है और सिर्फ पांच बच्चों का सही है, जबकि इसको कम होना चाहिए और वो ज्यादा है।
जाओ तुम। ओके बेटा, बाकी लोग भी आंसर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। सर आवाज बिल्कुल ही कम हो गई सर। अच्छा एक सेकेंड, अभी अभी ठीक है? नो सर, मुझे तो बिल्कुल कम आवाज आ रही है सर। 1 मिनट, बाकी बच्चे बताइए क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस यस सर, यस सर। ओके। चांदनी, सर रीज कती वाली। नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही है सर। अरे बेटा ये जो मैं बोल रहा हूँ वो तो करो आप। सर कितनी बार रिजॉइन करूं सर? एक बार और। चलो अब बेटा मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा एक बात और, एक बात और। चैट सेक्शन यस ऑन सर। कर सर दिया है मैंने, है ना, सारे बच्चों के। कॉपी लिख हाँ, लो। हेलो सर, चैट आवाज आ सेक्शन। रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है क्या सर आवाज? सर हाँ, आपकी आ रही है, मेरी जा रही है ना? क्या बोल रहे हो चांदनी। सर आप? अरे यार ये क्या हो रहा है, चांदनी मेरी आवाज आ रही है। हाँ सही है, निकिता सही आंसर प्राप्त। कॉल आ रहा है, उठा ले सर, देखना। हाँ सही है बेटा, मुकेश के नाम से बच्चा है। सही, ठीक सिर्फ है। मारा, एक बार देखना, मैंने ऐसे काट दिया माइनस से माइनस, देखना सही है। सर हाँ सही है, लेकिन बेटा इस तरीके से मत किया करो। हालांकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कट मत किया करो, है ना? चलो सही है। ओके हाँ, मंजू सैनी का भी करेक्ट है, राहुल राहुल बजीत का भी ठीक है, जतिन कुमार का भी ठीक है ना? ये रही जितने, आवाज। अच्छा, चलो, तो ये जितना भी मैं नाम ले रहा हूँ सारे बच्चों का ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेटा ये लिखा हुआ है -7 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो बच्चों मैंने कहा था कि अगर माइनस जो होगा वो सम बार होगा, सम बार मतलब होता है 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। तो आप गिन लो, 1 2 3 4, -4 बार आया। 4 का मतलब होता है इवन नंबर, सम संख्या, तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। तो 7 5 35, 35 2 70, 70 1 70। तो बच्चों आपका फाइनल उत्तर बनेगा 70। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर एक और क्वेश्चन दे दो। सही है, चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। चलो बेटा ये है सवाल, यह इस वाले टॉपिक से अंतिम सवाल है, इसके बाद मैं एक न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो इस वाले सवाल को आप लोग गलत मत करिएगा, ठीक है? यह इस वाले टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इसका, तो आप लोग गलत मत करिएगा। बेटा पोल सेक्शन ऑन हो चुका है ना? पोल सेक्शन ऑन हो चुका है, सारे बच्चे उत्तर करिएगा, सारे बच्चे। और हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ लीजिए, सर ये वाले पॉइंट पे हमको दिक्कत हो रही है, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। सर आंसर बताइए। ठीक है देखो बेटा, 2 बच्चों का ठीक आया है, लेकिन 1 बच्चे का गलत आया है। अभी किया, सही है। हाँ, अगर अभी किया है तो ठीक है, लेकिन 1 मिनट यार, दोनों लोगों की संख्या बढ़ गई, मतलब 6 बच्चों का करेक्ट आ गया है और 3 बच्चे का इनकरेक्ट हो गया है। बेटा आप लोग इनकरेक्ट क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दो ना। देखो अब ये संख्या और बढ़ गई है गलत वाले बच्चों की, और इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 6 बच्चों का ठीक है और 6 ही बच्चों का गलत भी हो गया है। बताओ इतना गलत कैसे हो सकते हैं आप लोग? बेटा इतना गलत कैसे हो सकते हैं? पहले सर तो केवल बताइए, एक सही है? ठीक है, अभी तक आया नहीं मेरे पास।
सर मैंने भेज तो दिया। अच्छा अच्छा, गलत है बेटा, गलत है, गलत। चलो, पता नहीं क्यों यार आप लोग गलत कर रहे हो, ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत ही गलत बात है ये। फिर क्योंकि पढ़ा हुआ सवाल आप लोग गलत कर रहे हो। समझाइयो सरियो सम हाँ मैं समझा देता हूँ, लेकिन ये पढ़ा हुआ, सबको पूजा ये पढ़ा हुआ है और इसको गलत नहीं करना चाहिए। आप कॉपी चेक करा लीजिए। यस, कौन कौन कॉपी चेक कराएगा? मुकेश कुमार करेक्ट आंसर आया है, फिर निकिता करेक्ट आंसर आया है, जतिन करेक्ट आंसर आया है, राहुल करेक्ट आंसर आया है, मंजू करेक्ट आंसर आया है। एक सेकेंड यार, मंजू मंजू थोड़ा सा कॉपी अपनी दिखाना बेटा, दोबारा एक बारी दोबारा दिखाओ, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। वो आपने प्लस का 165 लिखा है या माइनस का 165 लिखा है? सर माइनस का। अच्छा तभी ठीक है, तब ठीक। चलो बेटा अब ध्यान से देखो, ये है माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तीन जगह पे माइनस है, यानी कि ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। और जब बच्चों विषम संख्या होती है तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। तो आप यहाँ देखो कि माइनस, अब बेटा देखो 5 × 15 और 15 का गुणा आपको 11 में करना पड़ेगा, यानी 165 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा सी वाला पार्ट। कितने बच्चों का करेक्ट था? सर दोबारा समझाइयो सर मेरा। अच्छा दोबारा समझा देते हैं, दोबारा समझा देते देखो चांदनी, हुआ ये है ना कि मैंने पहले गिना है कि माइनस कितनी बार है, तो मुझे पता लगा कि माइनस 3 बार आ रहा है। देखो काउंट करो मेरे साथ, 1 2 3। सर अब 3 जो होता है वह एक ऑड नंबर होता है बेटा, ऑड मतलब होता है विषम, विषम संख्या होती है, और जब विषम संख्या होती है तो उत्तर माइनस में आता है। चलो मैंने माइनस लिख दिया। अब मैंने क्या किया, 11 का गुणा 55 में किया। चलो 11 गुणे 5 कितना होता है, 55 होता है ना। अब इस 55 का गुणा इस 3 में कर दो, तो 5 × 15 = 5 हाथ में आएगा, 1 × 5 = 15 = 16, यानी दोबारा एक सेकेंड समझा दो। बेटा कुछ भी नहीं है, गुणा कर लो आप तुरंत समझ में आ जाएगा, थोड़ा हाथ पाथ अरे कर। वो गिरी सर पे मेरा वो कट हो गया था हाँ तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, गुणा कर लो आप तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो मैंने मैंने 2 बार समझाया, अगर 2 बार में भी आप नहीं समझ रहे हो इसका मतलब कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है फिर, है ना। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका इसका गुणा कराओ, 11 × 25 = 55 होता है, और 55 आने के बाद 3 से भी गुणा करना पड़ेगा, तो 55 × 3 कितना होता है, 165 होता है, और वही तो मैंने लिखा है। देखो आया है यस सर, सर। दोबारा समझा सर देना, मैंने अभी ज्वाइन किया है। सर बेटा आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया, क्या सर? इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? अरे सर दो कॉल आ रहे थे तो उसे अटेंड किया था। क्लास में आप एकदम अटेंटिव रहा करो। मैंने ज्वाइन की थी क्लास पर सर, कॉल आ गया था सर। माइक बंद कर दो सर, माइक बंद करवा दो सबके। बेटा सारे लोग माइक को बंद करिए, ठीक है, माइक को बंद करिए सारे बच्चे, अदरवाइज आप लोग मेरी बातें सुन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी को रियाज अली के नाम से बच्ची है, उन्होंने बोला कि सर मुझे दोबारा समझा दीजिए। चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ, लेकिन बेटा ये लास्ट टाइम है, और आप क्लास को टाइमली ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज आगे से मैं ऐसा नहीं करने वाला। फिर तो मैंने ये सर मैं समझा, कॉल ज्वाइन की थी इस टाइम पे ही, पर कॉल आ गया था जरूरी, इसलिए अटेंड करना पड़ा मुझे। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैंने ये समझाया सारे बच्चों को कि देखो माइनस जो है वो यहाँ पे 3 बार है, और 3 का मतलब होता है ऑड नंबर, ऑड का मतलब विषम संख्या, और विषम संख्या बेटा होने पर उत्तर हमेशा माइनस में आता है। तो मैंने कहा कि बच्चों इसका सिंपली आप गुणा कर दो, तो 11 × 5 कितना होता है, आप खुद बताओ 11 × 5 कितना होता है। 55 बहुत बढ़िया, और 55 के बाद 3 से भी गुणा करना पड़ेगा, 55 × 3 कितना होता है, देखो 5 × 15 = 5 हाथ में आएगा, 1 × 5 = 15 = 16, यानी 165। तो यहाँ पे 165 लिख दो, यही मैंने बच्चों को समझाया था। अब आपको भी आया कि यस नहीं आया? सर ठीक है, अब मैं इसको आया। आगे कंटिन्यू करता हूँ। बच्चों आज का हम लोग का जो टॉपिक है ना,
आज का जो हम लोग का टॉपिक है बेटा वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि योग और घटाव। क्या सारे बच्चे रेडी हैं इसको सीखने के लिए? ओके बेटा, ये सारी चीजें हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आप जानते होंगे ये रिवीजन वाली क्लास चल रही है, तो रिवीजन वाली क्लास में मैंने हर एक चीज को कंप्लीटली पढ़ाया हुआ है। सर और कॉपी मोटा हाँ बताइए। सर ये समझ लेंगे, ये तो उतार रखा, कॉपी में उतारने की जरूरत है फिर भी। नहीं उतना जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं हमें और ज्यादा सीखना है ना, तो आप उतार सकते हैं, ठीक है, दोनों बात। ओके हाँ अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सारी चीजें तो मैंने लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत नोट करिए, लेकिन अगर कोई बच्चे चाहते हैं इसको नोट करना तो आप बेशक नोट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं बात। ओके बेटा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या ट्रीटमेंट पढ़ाने क्या वाला। दरअसल होता क्या है ना कि अगर मान लो सेम चिन्हों को आप जोड़ते हैं, कैसे सेम चिन्ह, जैसे मान लो प्लस को जोड़ते हैं प्लस वाले नंबर के साथ में, या फिर माइनस वाले को जोड़ते हैं माइनस वाले नंबर के साथ में, तो बच्चों जो बड़ा वाला नंबर होता है उसी का चिन्ह आता है। और एक बात और सर होती जी है, देखना एक बार कॉपी। अभी देखते हैं बेटा अभी देखते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब सेम साइन होता है तो हमेशा हम लोग जोड़ते हैं, बच्चों हमेशा क्या हम लोग करते हैं सेम साइन होने पर। जोड़ते हैं सर, हाँ एक एग्जांपल के थ्रू मैं सिखाता हूँ कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। देखियो अच्छा दिखा दो, रुक जाओ बेटा मैं आ जाता हूँ एक से। हाँ अब दिखाऊँ, निकिता सही है। नहीं निकिता दूसरा वाला क्वेश्चन गलत है बेटा, जो आपने लिखा है दूसरा -16 वाला। हाँ ये जो प्लस -12 प्लस -4 लिखा है ना, ये गलत किया है आपने, ये गलत है जी। ठीक क्यों है। सर मेरी देखना, अरे बेटा निकिता मैं ये बोल रहा हूँ जो दूसरा वाला है ना, दूसरा दूसरा वाला गलत है। यस चलो ओके सर। हाँ दूसरा वाला किसका गलत है, मुकेश कुमार के नाम से बच्चा है उनका भी गलत है दूसरा वाला। देखियो नहीं बेटा तीसरा चौथा दोनों गलत है, मुकेश कुमार। नहीं, इसमें बहुत सारे बच्चों का गलत हो रहा है, रुक जाओ बहुत सारे बच्चे। देखना। हाँ अब जाके ठीक हुआ है, अब जाके ठीक हुआ है। ओके सर मैं बताना। जतिन कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, लास्ट के तीन सवाल गलत हैं, लास्ट के तीन सवाल ऐसे मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों का गलत है। रुक जाओ सारे बच्चे, रुक जाओ एकदम, सारे बच्चे कैमरा बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो, है ना, क्योंकि बेटा मैं एक बार सिखा लेता हूँ तब आप लोग जवाब दीजिए, ऐसे तो सारे बच्चे गलत बता रहे हैं, ठीक है। चलो अब मुझे सिखाने दो, है ना। और जितना जितना आप लोगों को मैंने बताया कि गलत है, जितने बच्चों को बताया गलत है वो लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, और जिन लोगों को नहीं बताया वो भी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझ गया ये वाला टॉपिक आपका वीक है, मैं समझ गया। तो अब मैं सिखाता हूँ। अच्छा पहले माइक को बंद कर लो, कौन है मुकेश कुमार। चलो मुझे सिखाने दीजिए इसको। देखो बेटा अगर मान लो 30 है, और इस 30 में मान लो दो जोड़ा जा रहा है, ठीक है, 30 में बेटा दो जोड़ा जा रहा है, दोनों का चिन्ह बराबर है, बराबर मतलब सेम है। देखो जो ये 30 है ना वो भी प्लस में है, और ये जो दो है वो भी प्लस में है बच्चों। जब दोनों ही सेम चिन्ह वाले हैं तो हमेशा जोड़ते हैं, ये रूल नोट कर लीजिएगा कि अगर सेम चिन्ह होगा तो जोड़ते हैं। 30 और 2 कितना लिखेंगे, 32 लिखेंगे। बत्तीस अच्छा, लेकिन मान लो अगर यही सवाल ऐसे लिखा हो तो रुक जाओ इरेज करके बताते हैं, इरेज करके ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो यही सवाल ऐसे लिखा हो, -30 प्लस लिखा हो -2, तो बच्चों सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जो पिछले क्लास में रूल मैंने सिखाया था उसका प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, जब प्लस और माइनस का गुणा होता है ना बच्चों, जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है, किसी को याद है? यस सर माइनस 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 आता है, तो देखो यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा और तब जाकर के 2 लिखूंगा। अब मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, क्या इन दोनों का साइन सेम है कि नहीं है? यस सर ओके बेटा एक सेकेंड,
जब सेम है तो सेम साइन होने पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि घटाते हैं? जोड़ते हैं जोड़ते सर, जोड़ते हैं, प्लस का आएगा सर, 32 तीस और दो, 30 और 2 32, सॉरी हाँ 30 और 2 32 होता है। बत्तीस आपका। हाँ अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो 32 आ रहा है ये सर प्लस में होगा कि माइनस में सर प्लस होगा? में होगा सर, नहीं बेटा माइनस में होगा। माइनस माइनस हाँ उसके पीछे का लॉजिक ये है कि 30 एक बड़ी संख्या है सर, और 30 एक बड़ी संख्या है और इसके पहले माइनस लगा है, तो जो बड़ी जब संख्या होती बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह लगेगा ना। है। जी हाँ जी हाँ, हाँ तो बेटा इसका उत्तर आ जाएगा -32। याद करो मैंने इसको ऐसे सिखाया था कि घर में यस है ना, सर, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ हाँ घर में जो बड़े लोग होते हैं आप लोग उन्हीं की बात मानते हैं ना, बताओ? सर, माइनस तो प्लस का आएगा। नहीं तो वो जो चीज होती है वो गुणा में होता है। देखो बेटा जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस आता है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, तो बेटा नहीं कि आप यहाँ पे गुणा नहीं कर रहे हो, सर यहाँ पे फिर आप सेकंड पर मेरा सही था फिर। ठीक है, यहाँ पे आप गुणा नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप जोड़ रहे हो। क्या सारे बच्चों को अंतर समझ में आया? यस सर, यस सर, ओके बेटा अब मान, माइनस में जुड़ जाएंगी पर माइन जो बड़ी संख्या उसका निशान आएगा। अब मान लो यही चिन्ह जो है वो अलग अलग हो, है ना, चिन्ह अलग अलग हो, सवाल कैसे बनेगा? मान लो लिखा हुआ है -30 प्लस लिखा हुआ है 2, तो बच्चों ये जो 30 है उसका चिन्ह क्या है माइनस और ये जो 2 है इसका चिन्ह क्या है? प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह अलग अलग है कि नहीं है? यस तो बेटा जब चिन्ह अलग अलग होता है ना तो हम लोग घटाते हैं, क्या करते हैं? सर, घटाते हैं सर, तो बताओ 30 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 28 28 आएगा। अब बड़ी संख्या कौन है इसमें? सर, 30 30 के पहले कौन सा साइन है? सर, 30 से पहले सर, 30 ही है सर, माइनस 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 यस साइन है, सर, माइनस तो जो इसका उत्तर बनेगा वो माइनस में होगा या प्लस में बनेगा? माइनस यस सर, माइनस सीख गए आप लोग अब, है ना, आप लोग सीख गए। इसी प्रकार यस से एक और सवाल करवाता हूँ मैं, इसी प्रकार से एक और सवाल करवाता हूँ। मान लो बेटा ठीक है, सवाल कुछ इस तरीके का हो कि पहले 30 लिखा हो ठीक है और तब ऐसे लिखा हो, तब कैसे करेंगे? तो देखना मैं सर, प्लस का 28 आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन कैसे आएगा? देखो बेटा देखो, पहले आप 30 लिखोगे और प्लस और माइनस का गुणा कराओगे, बताओ बच्चों प्लस और माइनस का गुणा कराने पे क्या आता है? माइनस अब माइनस बताओ 30 प्लस में है और 2 माइनस में है, अलग अलग चिन्ह है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे? घटाएंगे सर, घटाएंगे घटाएंगे है ना, घटाएंगे, 30 में से 2 जाता है 28 आता है। अब बताओ बच्चों इसमें बड़ी संख्या कौन है? तीस, सर, 30 प्लस 30 और 30 के पहले का चिन्ह कौन सा है? सर, प्लस, प्लस तो आने वाला उत्तर प्लस में हो गया माइनस में? प्लस में, प्लस बहुत, में होगा क्योंकि तो यही प्लस आपका, की संख्या बड़ी है सर। हाँ तो यही आपका उत्तर होगा फाइनल रूप में। अब सारे बच्चों को चारों के चारों सवाल समझ में आ गया? यस अच्छा सर अब आपकी स्क्रीन पे है ना, अब आपकी स्क्रीन पे ये जो सवाल लिखा है अब आप लोग अपने मन से बताइए, हम नहीं बताएंगे इसको। चलो बेटा पहला वाला सवाल का आंसर बताओ। सोलह, हाँ जी 16 हाँ निकिता सही है, साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा और जो बड़ी संख्या का साइन होगा वही आप लोग लिखेंगे, सही है निकिता? चलो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर 16 होगा और मैं भी सहमत हूँ कि यह 16 ही होगा क्योंकि चिन्ह बराबर है, चिन्ह सेम है और दोनों लोगों का प्लस है तो प्लस का 16 आएगा। अच्छा बच्चों इस वाले का दूसरा वाला सवाल बताओ क्या होगा, -16, -16 सारे बच्चे बताइए, सिर्फ एक या दो बच्चे बता रहे हैं, बाकी लोग भी बताइए ठीक है। सर, हम लिख रहे हैं सर, ये बता रहे हैं सर, ये गलत बात है सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी पोल सेक्शन नहीं चल रहा है इसीलिए मैंने यहाँ पे आजादी दे दी हुई है। चैट में लिख रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं सर। हाँ अगर ये पोल में होता तभी आप लोग नहीं लिख पाते, कोई बात नहीं चांदनी, आप अपना कॉपी चेक करा लो या फिर सबसे बढ़िया है अभी के लिए चैट सेक्शन में लिख दो, है ना, मैं
मैं सभी के आंसर देख लेता हूँ। अच्छा बच्चों, इसको कैसे करेंगे, देखो हालांकि यहाँ ब्रैकेट होने चाहिए था, है ना, ब्रैकेट होना चाहिए था। देखो बेटा, ये -12 है, प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा। अब देखो कि चिन्ह यहाँ पे समान है, जोड़ देंगे तो 12 और 4 16 होता है। अब देखो कि बड़ी संख्या कौन है, तो 12 बड़ी संख्या है, उसके पहले माइनस है तो -16 आ जाएगा। क्या सारे बच्चों को पिछली सर पिछली बार आपने मेरा ऐसे कहा था कि दूसरा गलत है, सही था सर ये तो बेटा आपने -16 लिखा था, सर। बट अच्छा जो आगे के दो सवाल होंगे वो उनका गलत था आई थिंक। हाँ आगे के जो दो सवाल लिखे हुए हैं वो गलत है। हाँ नहीं, किताब चैट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, चैट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी पोल सेक्शन नहीं चल रहा है। पोल सेक्शन चलता तो मैं खुद बंद कर देता। देखो बेटा, इस वाले का पहले का आंसर बताओ, पहले का आंसर सर -16 -16 सर है, -16 सर देखो गलत बात है, सर -16 इसका गलत है, गलत है, गलत है बेटा। -16 कैसे आएगा, गलत सर 16 आएगा। आएगा 16 सर -8 बहुत बढ़िया। मंजू सैनी के नाम से कौन सी बच्ची है, नाम बताइए। अनुश्री आर्या सर। अनुश्री आर्या, करेक्ट आंसर बेटा, -8 आएगा। क्यों गलत कर रहे हो, अभी तो मैंने सिखाया था, सिखाने के बावजूद भी गलत कर रहे हो आप लोग, वेरी बैड, वेरी बैड। देखो बेटा, यहाँ पे ये माइनस में है और ये प्लस में है, अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा, मैंने सिखाया था अभी को। मुकेश के नाम से जो बच्चा है, आप क्यों गलत कर रहे हो, आप तो गलत नहीं बताते हो। चांदनी तुम भी गलत बता रही थी। सॉरी ये देखो, ये माइनस में है, ये प्लस में है, देखो अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, तो 12 में से 4 जाता तो 8 आता है। अब इसमें से बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या 12 है, और 12 के पहले का चिन्ह क्या है, माइनस, सर -8 आएगा इसका उत्तर। अगर समझ में आ गया तो बेटा दूसरे वाले सवाल का आंसर बिना गलत किए बताओ। सर 8 है काट है जी ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे ब्रैकेट मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो चलो 12 प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो -4, अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा, 12 में से 4 सर जाएगा, आपकी 8 आवाज आए। नहीं आ रही बाकी लोग बताइए मेरी आवाज आ रही है कि नहीं है। सर। नहीं सर आप माइक बंद करवा दो सबके। हाँ ठीक है, तो राहुल के नाम से, है ना, राहुल तिहाल के नाम से जो बच्चा है, राहुल आई थिंक तिहाल है क्या, तिहाल, तो राहुल तिहाल आप एक बारी रीज्वाइन करिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अरे बेटा बोला तो मैंने आपको रीज्वाइन करो, सर, रीज्वाइन उसको आवाज नहीं आ रही, आप लिख दो। बेटा लिख दिया, देखो ध्यान से ऊपर की तरफ, ओके सर 12 में से 4 जाएगा, 8 आएगा, 12 धनात्मक है तो प्लस होगा। अच्छा एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, राहुल तिहाल रीज्वाइन करिए। आई होप आपने पढ़ा होगा इसको। बिल्कुल सही बात है निकिता, जब जब माइक ऑन होता है तो आवाज नहीं आती है, बिल्कुल सही बात है ना, माइक अगर बंद रहेगा तो आवाज आएगी। अच्छा बेटा एक सेकंड रुकिएगा, अभी आपको मेरी मैं तो स्क्रीन दिखाई नींद आ दे गई रही है, आपकी। एक सेकंड, एक सेकंड। अब दिखाई दे रही है, खेलने लगी अब दिखाई यस दे रही सर है। यस सर चलो बेटा अब मैं कुछ और सवाल कराऊंगा जो कि थोड़े से टफ लेवल के हैं, थोड़े से टफ लेवल के सवाल हैं। क्या ये सारे जो टफ लेवल के सवाल हैं, जो ये कठिन प्रश्न है, आप लोग करने के लिए रेडी हैं? यस सर ठीक है, मैंने यस मैंने आप सभी के लिए कठिन कठिन प्रश्नों को चुन करके लाया हुआ है, तो रुक जाओ बेटा। अच्छा जो भी ये बच्चे शोर कर रहे हैं ना, मेरी बातें नोट कर लीजिए, अगर आप ऐसे ही शोर करते रहेंगे तो मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा आप। पहला क्वेश्चन, ठीक है मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 प्लस 4 प्लस माइनस 11, बेटा यही सवाल है ना, 12 प्लस 4 माइनस 11, सर हाँ यही सवाल है। देखो बेटा एकदम मैं अच्छे से सिखाऊंगा, चारों के चारों प्रश्नों को सिखाऊंगा। देखो जब दो से अधिक
नंबर हो और उनको जोड़ना घटाना या इस टाइप की चीजें दी गई हो, तो डरना नहीं है। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करिए। पहला रूल है ब्रैकेट को ओपन करना। चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो बेटा ये 12 लिखोगे आप, प्लस 4, और प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस आएगा। अब बच्चों शुरुआत के 2 अंकों को आप हल कर दीजिए। आप चाहो तो अंतिम के 2 अंकों को लेकर के भी हल कर सकते हो, लेकिन है ना अभी के लिए मैं शुरुआत के 2 अंकों को लेकर के हल कर रहा हूँ, ठीक है? सोलह हाँ, तो अभी सर बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इन दोनों को हल करने में 16 आएगा। अब बेटा ये जो -11 है इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या होगा इसका उत्तर? इन घटा देंगे सर, पांच सर पांच आएगा, बेटा आप लोग पांच। चैट बॉक्स का यूज करिए, क्योंकि सारे बच्चे सुन नहीं पाएंगे मेरी आवाज को। फिर सर क्या सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आएगा? यस सर, अच्छा, इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों को करने के लिए। यस। पहले सर एक और समझा दो, क्या हुआ, क्या हुआ? एक और समझा दो सर, ऐसा ही समझ। अच्छा, एक और समझा दें। ठीक। तो दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है -12, -4 और -11। ठीक है, -12, -4, -11। ठीक है बेटा, ऐसे है ये दूसरा वाला सवाल। दूसरा वाला सवाल ऐसे है। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखो -12 को -12 लिखेंगे। बेटा प्लस और माइनस का गुणा करने पे क्या आता है? सर माइनस अच्छा, माइनस आता है, -4 हो जाएगा। फिर बताओ प्लस और माइनस का गुणा करने पे? ठीक माइनस है, माइनस, माइनस आ गया। अब हमको ये बताइए, मैंने कहा था कि 2-2 अंकों को साथ में लेकर के हल करिएगा। चलो हम शुरुआत के 2 अंकों को लेकर के हल कर देते हैं। ठीक है, सर आठ, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आठ नहीं बेटा, देखो दोनों का चिन्ह समान है, को दोनों, जोड़ देंगे, निशान माइनस का रहेगा। हाँ दोनों का चिन्ह समान ओके है। सर, जब दोनों का चिन्ह समान है ना बच्चों, तो जोड़ देंगे। तो 12 और 4 16 होता है, तो 16 को हम लोग यस जो सर, हम 16 लिख देंगे, लेकिन बड़ी संख्या 12 है और उसके पहले माइनस लगा है, तो -16 आएगा। ठीक है, यस सर, अब -11 को एज इट इज लिख देंगे। अब बताओ अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे? सर जोड़ देंगे, निशान माइनस करेगा तो उत्तर कितना आएगा? सर, प्लस पांच नहीं, गलत है, माइनस पांच सर, गलत है। पांच 27 आएगा, 27 सर, सब 27 आएगा, -27 माइनस का सर, सर माइनस का आएगा, क्योंकि 16 बड़ा अंक है ना। कैसे घटाना है सर? एक मिनट, मैं सबका पहले माइक बंद करूं, बहुत आप लोग शोर कर रहे हो। चलो अब कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। तो देखो -27 आएगा इसका। ठीक है, चलो तीसरा वाला क्वेश्चन जल्दी से देखो क्या होगा इसका उत्तर। तीसरे वाले का उत्तर क्या होगा? देखो बेटा ये माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ -12 प्लस 4, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब देखो ये -12 है, ये 4 है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है। जब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो -8 लिखेंगे, -8 लिखेंगे। और बेटा यहाँ फिर से दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो यानी फिर से घटाना पड़ेगा। तो 11 में से 8 जाएगा, तो 3 आएगा। बड़ी संख्या 11 है, 11 के पहले प्लस है, तो +3 आएगा इसका फाइनल उत्तर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया तीसरा वाला क्वेश्चन? ठीक है, अब देखो चौथा वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये माइनस, ये भी माइनस में है, माने माने प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस हो जाएगा। तो 12 प्लस 4 माइनस 11, शुरुआत के 2 अंकों को हल कर दीजिए जैसा कि मैंने सिखाया था। 12 और 4 16 होगा, क्योंकि सेम साइन है। अब बेटा 16 में से 11 घटा दीजिए, कितना आएगा? 5 आएगा। फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा? 5। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सबको समझ में आया?
अच्छा ठीक है, अब मैं जल्दी से एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग इसका आंसर बताइए। सवाल क्या है, देखो -11, -5, -3, ठीक है, यही है सवाल। मैं चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ, जल्दी से आंसर करो, एकदम लाइट की स्पीड से आंसर करो बेटा, एकदम लाइट की स्पीड से। फास्ट आंसर करो, करेक्ट आंसर करो, और अगर कोई डाउट हो, है ना, कोई डाउट हो तुरंत पूछो, तुरंत पूछो। आप सभी लोगों के पास 20 सेकंड का समय है, ओनली 20 सेकंड्स। 20 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। अच्छा सारे बच्चे आंसर करिए, ठीक है, सारे बच्चे आंसर करिए। चिन्ह का ध्यान रखिएगा, चिन्हों का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चिन्ह। मंजू के नाम से जो बच्ची है बेटा, कैमरा बंद कर लीजिए और आप अपनी कॉपी चेक कराइएगा, लेकिन जब ये पोल बंद हो जाएगा तब। बेटा लास्ट के 10 सेकंड और हैं, लास्ट के 10 सेकंड और हैं। लास्ट के 10 सेकंड और हैं, ठीक है। सभी सवालों का सही प्रश्न का उत्तर दीजिए ना, सही मतलब आंसर करिए, गलत उत्तर मत करिए बच्चों। चलो लास्ट के 5 सेकेंड, लास्ट के 5 सेकेंड। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूं और चैट को ऑन कर देता हूं, ठीक है। आप लोग अपना आंसर चैट में लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या था, ठीक है, क्वेश्चन क्या था बेटा, देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो पहले ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग -11, -5, -3, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों ही नंबर आपस में जुड़ जाएंगे, तो 11 और 5 कितना होता है, 16 होता है, बड़ी वाली संख्या 11 है, तो माइनस का 16 आ जाएगा। इस -3 को एज इट इज लिख दीजिए, फिर से ये भी माइनस, दोनों का सेम साइन है, जुड़ जाएगा, 16 एंड 3 19 होता है, और बेटा ये बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या के पहले माइनस है, यानी कि माइनस का 19 आएगा। तो कौन सा वाला पार्ट करेक्ट होगा, सी वाला पार्ट करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। हाँ मैं नोटबुक देख रहा हूँ बेटा, आप चिंता मत करिए। क्या सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आया, क्या सारे बच्चों को समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, बिल्कुल मैं नोटबुक देख रहा हूँ बेटा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए कि सर नोटबुक में देख रहे हैं क्या, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला सवाल है इस तरीके से, आप ये मत सोचिएगा कि जो सवाल है वही प्रीवियस वाला है, पुराना वाला है, नहीं बेटा ये पुराना वाला सवाल नहीं है, इसमें थोड़ा अंतर है, ध्यान से देखोगे तो अंतर समझ में भी आ जाएगा कि अंतर क्या है, ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो इसका अंतर समझ में आ जाएगा तुरंत कि सर जी ये पुराना वाला सवाल तो नहीं है, ये कुछ नया ही सवाल है। तो इसका उत्तर आप लोग करिए पोल सेक्शन में, सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में, ठीक है बेटा। चलो तेजी से आंसर करो, और मैं आप सभी लोगों से बार बार बोलता हूं कि आप लोग माइक बंद रखिए, बंद रखिए बेटा, माइक को बंद रखा जाता है। देखो क्लास कितना स्मूथली चल रहा है, देखो कितने शांति तरीके से चला चल रहा है क्लास, बिना किसी डिस्टरबेंस के, है ना, सारे बच्चे मेरी आवाज भी सुन पा रहे होंगे, जहां तक मुझे लगता है किसी को दिक्कत होगी ही नहीं। तो आप लोग हमेशा माइक को बंद रखिए, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, बहुत ही ज्यादा जरूरत हो, तब जाके माइक को ऑन किया जाता है कि सर ये मुझे सवाल नहीं आ रहा है, तो हमें समझा दीजिए, सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, ये सारी चीजें अगर बोल रही हो तब जाके आप माइक ऑन करिए। बार बार यस सर नो सर करेंगे ना, तो वो किसी को नहीं सुनाई देगा, ये चीज होती है।
चलो, आई होप आप इसको समझेंगे और आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, ठीक है? मैं सभी के आंसर देख रहा हूँ उसमें फोर्थ सेक्शन में, तो एक बार मैं स्कोर बोर्ड बता देता हूँ, ठीक है बेटा? 3 बच्चों का सही और 3 ही बच्चों का गलत। बेटा ये पुराना वाला सवाल नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। ये मत सोचिएगा कि लगता है पुराना वाला ही आंसर आएगा क्या, तो ऐसा नहीं है, ये कुछ नया आंसर आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कुछ नया आंसर आएगा, ठीक है? तो आप लोग सही से आंसर करिए। लास्ट की 10 सेकेंड और है आप लोगों के पास, 10 सेकेंड और। अच्छा ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, मैं सभी लोगों के माइक को ऑन कर देता हूँ। कुछ डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो हमसे, सर 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है? इसी तरीके से बोल करके तुरंत आप लोग माइक बंद कर लेंगे, है ना? अगर कुछ भी डाउट होगा, कुछ बोलना होगा, बार बार माइक नहीं ऑन करना है, नहीं तो परेशानी होगी सभी बच्चों को। मैंने सारे बच्चों का माइक ऑन कर दिया है, ठीक है? तो सर मना है। अननेसेसरी माइक मत ऑन करिए। सर मैंने पीछे आंसर नहीं दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस बार दे दो, इस बार दे दो बेटा। तो 6 बच्चों का करेक्ट है और 8 बच्चों का गलत है, यानी कि गलत बच्चों, जो लोग गलत दे रहे हैं आंसर, उनकी संख्या ज्यादा हो जा रही है और सही वाले बच्चों की संख्या कम हो जा रही है। ऐसा क्यों? इतना मेहनत से पढ़ाने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप लोग सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो? बोल बंद कर दो, चैट सेक्शन ऑन कर दो। यस ठीक है बेटा, क्या सारे बच्चों ने उत्तर दे दिया? सर, यस सर, ठीक है, ठीक। चलो मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो बच्चों, पहले मैंने कहा था कि ब्रैकेट को ओपन करना, तो ये -11 है, -5 हो जाएगा। थैंक यू। हाँ मैं देख रहा हूँ, प्लस और माइनस बेटा माइनस हो जाएगा। मैंने कहा था कि शुरुआत के 2 अंकों को आप हल कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, इनके चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा। तो 11 में से 5 ज्यादा कितना आता है? 6 आता है। अब इनमें से बड़ी संख्या है 11 और उसके पहले क्या है? माइनस, तो -6 होगा। और बेटा ये -3 है तो ये -3 लिखेंगे। 6 और 3 9 होता है, तो 9 आप लिख दीजिए। और बड़ी संख्या 6 है, उसके पहले माइनस है, तो -9 आएगा। बी वाला उत्तर करेक्ट होगा बच्चों। सर देखियो, सही है मुकेश, आपका सही आंसर आया, बहुत बढ़िया। और किसका सही है? जतिन का, जतिन का ठीक है। और कोई है जो चेक करना चाहते हैं अपनी कॉपी? निकिता सही आंसर, मंजू सैनी ठीक है, चारू, चारू के नाम से जो बच्ची है, मैं आपका मतलब कॉपी नहीं देख पा रहा हूँ, एकदम ब्लरी सा आ रहा है, ब्लर ब्लर टाइप का होता है ना, ब्लर उस टाइप की चीजें आ रही हैं। खैर कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 करिए। सवाल क्या है? 15 -12 प्लस ब्रैकेट में -3। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग पोल सेक्शन में, तो एकदम लाइट की स्पीड से आंसर करिएगा पोल सेक्शन में, लाइट की स्पीड से, ठीक है? देखो आंसर ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। एक बच्चे ने मात्र उत्तर दिया है और उस बच्चे का ठीक आंसर आया है। अब वो है जतिन के नाम से जो बच्ची है या जो बच्चा है, जो भी है। अच्छा जतिन के नाम से आपका नाम क्या है? सगरी माँ अगर देखना भी अभी किया, सही है। अभी अभी किया तो ठीक है, सही है, 4 बच्चों का सही है, किसी का गलत नहीं आया है बेटा, बहुत बढ़िया। अब जाके गलत हुआ है 2 बच्चों का, अब जाके गलत हुआ है 2 बच्चों का।
छह बच्चों का सही है, दो बच्चों का गलत। सर हाँ हाँ बताइए बताइए। सर बीना का गलत होगा अच्छा वही बात है ना बेटा, सर, मैं सर वही। गलती से होगा। अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा ठीक है। लेकिन देखो बेटा, मैं आप लोगों से यही सजेशन एक देना चाहूंगा, आप लोगों को यही सजेशन देना चाहूंगा कि अगर सवाल आ रहा है आपको, है ना, अगर सवाल आ रहा है तो आते हुए सवाल को बेटा गलत मत करिए, है ना। अगर मान लो सवाल नहीं आ रहा है ना, अगर सवाल नहीं आ रहा है तब तो गलत हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार आ ही नहीं रहा था तो गलत तो होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आ रहा है तो उसको आप लोग गलत मत करिए, क्योंकि ये आपका नंबर तुरंत घटा देगा, समझ रहे हो। एग्जाम में भी यही रूल अपनाना चाहिए कि जो सवाल आ रहा है ना उसको किसी भी हाल में गलत नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आते हुए सवालों को गलत करेंगे एग्जाम में तो बेटा जो कठिन सवाल हैं वो तो और आपको परेशान करने वाले हैं। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, सर ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा, यस हाँ इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि यार आसान सवाल आपको मतलब नंबर दिलाते हैं, जो आपको सवाल आते हैं वो नंबर दिलाते हैं, और आते हुए सवालों को ही आप गलत लिखने लगेंगे तब तो हो गया कल्याण बेटा, है ना। तो ऐसा मत करिएगा। जब गोंडा होगा जीरो हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, आएगा सही है, मैंने पोल को बंद कर दिया, चैट ऑन कर दिया। देखो बेटा ये प्लस है ये सर माइनस है। नोटबुक हाँ बिल्कुल सही बात है, नोटबुक आप चेक करा लीजिए, सही है, बिल्कुल सही है बेटा मुकेश। देखो शुरुआत के दो अंकों को मैंने जोड़ने के लिए, ठीक है। एक मिनट, 15 में से 12 जाएगा कितना आएगा, 3 माइनस 3 को आप ऐसे लिख दो, 3 में से 3 घट जाएगा 0, यानी कि डी वाला उत्तर सही होगा। क्या सारे बच्चों को ये मेरी बातें समझ में आई। एक और राहुल, क्वेश्चन राहुल दो। का करेक्ट है, नरेश का ठीक है, जतिन का ठीक है ना, मुकेश का ठीक है, चलो बढ़िया, निकिता का ठीक है। तो चलो बेटा अब मैं आप सभी बच्चों को सिखाऊंगा डिवीजन यानी कि भाग। क्या सारे बच्चे डिवीजन सीखने के लिए रेडी हैं। यस अच्छा, चलो अब मैं आप सभी को सिखाता हूँ। देखो बेटा डिवीजन का एक ही, एक क्या दो रूल कर सकते हैं, दो रूल है, उसमें से पहला जो रूल है वो ये कहता है कि अगर सेम साइन होगा तो उत्तर प्लस में आएगा। मान लो बेटा 18 है, 18/2 है, दोनों का चिन्ह प्लस में है ना, 18 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है, तो जो इसका उत्तर आएगा बेटा वो प्लस में आएगा, 9 आएगा। आवाज बाकी लोग बताइए, नहीं आ रही है सर। सर इनके माइक ऑफ कर दो। यही तो प्रॉब्लम है, ये लोग समझते ही नहीं है, समझते ही नहीं। तो मैंने कहा सेम साइन होगा तो बेटा प्लस में आएगा। इसका एक और एग्जांपल देख लो सेम साइन का, मान लो -18/-2 है, तो यहाँ दोनों चिन्हों का सेम साइन है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, तब भी प्लस में ही आएगा उत्तर। आप ये मत सोचना कि सर माइनस में आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, माइनस में आएगा ही नहीं, हमेशा प्लस में आएगा। कब, जब सेम साइन होगा तब। अगर बेटा ये दोनों कॉन्सेप्ट आप सीख लिए तो जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करो, जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो। अच्छा अगर ये सीख लिया तो अच्छी बात है। अब मैं सिखाऊंगा दूसरा कॉन्सेप्ट, जब सेम ना हो यानी कि डिफरेंट हो, अलग अलग हो। तो बच्चों जब डिफरेंट हो, जैसे कि मान लो 18/-2 हो, तो 18 प्लस में है और 2 माइनस में है, अलग अलग चिन्ह है, तो जब अलग अलग चिन्ह होता है तो उत्तर माइनस में आता है। उत्तर किस में आता है, माइनस में आता है। तो माइनस, ठीक है, -9 × 18, तो -9 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अगर इसी प्रकार का एक और सवाल हो, जैसे मान लो -18/2 हो, तो यहाँ पे भी अलग अलग चिन्ह है, 18 माइनस में है, 2 प्लस में है, तो इनका क्या होगा, अलग अलग चिन्ह होने पे माइनस आएगा, तो यहाँ भी -9 आएगा। क्या ये दोनों ही रूल आप लोगों ने सीख लिया, दोनों रूल सीख लिया। अच्छा निकिता आप अपना आंसर दिखा रही है ना, आंसर आपका करेक्ट आया है, बढ़िया, चारों के चारों आंसर करेक्ट है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जिनको नोटबुक चेक कराना बेटा चेक करा लीजिए। चलिए पहला वाला सवाल करिए, देखिए ये क्या लिखा है, 12/4 लिखा है, ठीक है, सेम साइन है,
सेम साइन है तो क्या करेंगे, जल्दी से करिए सारे बच्चे बताइए। यस करेक्ट है ना, करेक्ट है, रियाज अली के नाम से जो बच्ची है, करेक्ट आंसर। चलो बेटा अब मैं सिखा देता हूँ। देखो दोनों का साइन सेम है तो प्लस में आएगा, तो 4 3 12 3 आ जाएगा। अच्छा देखो इस वाले का उत्तर क्या आएगा, तो -12/-4, यहाँ भी सेम साइन है तो 4 3 12 यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ भी, ठीक है, प्लस का 3 आ जाएगा। अच्छा बच्चों देखो इसका उत्तर क्या होगा, मतलब ये अलग अलग चिन्ह है ना, -12/4 है, जब अलग अलग चिन्ह है तो माइनस में उत्तर आएगा यानी कि -3। यहाँ भी देखो इसका उत्तर क्या आएगा, 12/-4 है, तो यानी कि इसका भी क्या उत्तर आएगा, माइनस में आएगा, तो 4 3 12। क्या चारों के चारों सवाल आप सभी लोगों को समझ में आ गया? चलो बढ़िया। अब बेटा मैं इसी प्रकार से एक सवाल देता हूँ आप सभी को करने के लिए, ठीक है। चलो ये रहा आपके स्क्रीन पे सवाल, -50 को भाग करना है बेटा -5 से, जल्दी से इसका उत्तर करिए। मैं चैट को बंद कर देता हूँ और पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। बेटा इस सवाल के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया, ठीक है। देखो ध्यान से, दोनों लोगों का चिन्ह समान है कि अलग अलग है, अगर सेम होगा तो प्लस आता है, और अगर माइनस मतलब अलग अलग होगा, चिन्ह अलग अलग होगा तो माइनस में आता है। ये थोड़ा हिंट दे दिया मैंने इस सवाल में, हालांकि आगे नहीं दूंगा अभी के लिए, हिंट दे दिया बस, आगे नहीं दूंगा बेटा। 5 बच्चों का सही आंसर आया है, 1 बच्चे का गलत आंसर आया है, ठीक है। चलो 8 बच्चों का सही आंसर आया है, 1 बच्चे का गलत आंसर है, ठीक है, सही है। 8 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत हो गया। अच्छा ये 9 बच्चे हो गए क्या? हाँ 9 बच्चे हो गए, 9 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है, 9 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है, 10 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का गलत है। ओके बेटा जल्दी से करिए, 5 सेकेंड और है, 5 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, सिर्फ 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड के बाद तुरंत हम बंद कर देंगे बेटा। चलो अब मैं पोल को बंद कर देता हूं और चैट को ऑन कर देता हूं, ठीक है। चलो चैट सेक्शन में आंसर बताओ आप लोग, सबका डी आ रहा है, ठीक है। चलो आप लोग अपनी कॉपी भी चेक करा लीजिए। हाँ जतिन सही आंसर है, भविष्य के नाम से जो बच्ची है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो बेटा डी वाला आंसर होगा, कैसे होगा, देखो मैंने कहा था सेम साइन होगा तो प्लस आता है, तो 5 एकम 5 और 5 दहम में 50, यानी कि 10 आपका सही उत्तर होगा। सी वाला उत्तर नहीं होगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह होते पर तब जाके माइनस आता, यहाँ पे सेम चिन्ह है तो प्लस आएगा। अच्छा बच्चों चलो इस वाले सवाल का उत्तर बताओ, एकदम लाइट की स्पीड से बताना है ना, पहले ये चेक करो कि चिन्ह क्या है, सेम है कि अलग अलग है, ठीक है। चलो बच्चों मैं पोल को ऑन कर दिया, ठीक है, मैंने पोल को ऑन कर दिया। सारे बच्चे पोल में बता दीजिए आंसर, एकदम एकदम लाइट की स्पीड से बताइएगा। सात बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्ची का गलत है। जल्दी से करिए, लास्ट के 10 सेकेंड और है ना, 10 सेकेंड के बाद पोल बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, 10 सेकेंड के बाद पोल बंद हो जाएगा बच्चों। ठीक है चलो, 13 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलो
बेटा ये सवाल क्या है, अलग अलग साइन है ना, तो उत्तर तो माइनस में आएगा, इतना तो श्योर है। अब 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 169 कट जाएगा, बेटा इसको भाग देने की कोशिश करोगे 13 बाद में कट जाएगा, तो -13 आपका उत्तर आ जाएगा, बी वाला उत्तर करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, बी वाला उत्तर करेक्ट होगा, सही है। जतिन का सही है, मुकेश का सही है ना, हाँ बाकी लोग भी जो दिखा रहे हैं, सही आंसर है, बिल्कुल सही बात। ओके बेटा एक लास्ट सवाल ये है, इसको भी आप लोग करते जाइए, इसको भी आप लोग करते जाइए, लास्ट सवाल है आज की क्लास का, ये लास्ट सवाल है बेटा, इसको भी सही से उत्तर करने का प्रयास जरूर करिएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 25 मैंने पोल में ऑन कर दिया है, उत्तर करिए बेटा, उत्तर करिए, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। अलग अलग चिन्ह है या सेम चिन्ह है, जल्दी से देख लो, उत्तर कर दो बेटा। बच्चों 7 बच्चों का सही है और 4 बच्चों का गलत है बेटा, लास्ट के 10 सेकेंड और है, तुरंत बंद कर दूंगा मैं बोर्ड को, सिर्फ 10 सेकेंड गिन करके, 10 सेकेंड बस। 11 बच्चों का सही है, 11 बच्चों का सही है। ओके बच्चों अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो ये सवाल बड़ा इजी था, कैसे इजी है देखो, यहाँ पे तुम तो ये देख ही गए होगे कि अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह है तो माइनस में आएगा बेटा, 1 जीरो से 1 जीरो बस कट करना था और तुरंत आपको उत्तर मिल जाता, कुछ भी कैलकुलेशन था ही नहीं इसमें। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? हाँ ठीक है, मुकेश का ठीक है ना, चलो ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। ओके तो बेटा ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, अगर आपको कुछ डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए,